Hello, good morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. In our last class, we have studied about the movement in animals. Earthworm and snail. In हम हमारी last class में movement in animals के अंतर्गत earthworm और snail की movement पढ़ चुके हैं. इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि earthworm crawling कर रहा है, रेंगते भी चलता है और जो आपका स्नेल है वो घसीटते भी चल रहा है. जब वो स्नेल मूव करता है अपने पीछे एक म्यूकस सिक्रेट करता है जिसकी वजह से उसका वे सिल्वरी बनता जाता है. तो ये थी मूवमेंट इन अर्थवॉर्म एंड स्नेल. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट इन कॉकरोच, फिश, बर्ड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी मूवमेंट इन कॉकरोच. कॉकरोच जनरली आप लोगों ने अपने घरों में देखा है, ब्राउनिश कलर, ब्लैकिश कलर का होता है. इंसेक्ट फ्लाइंग है, एनिमल्स के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, स्केलेटन होता है. इसका जो स्केलेटन है वो एक्जोस्केलेटन है. स्केलेटन टू टाइप के होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्जोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, आउटर लुक नहीं शो होता है. इट मीन्स एज लाइक आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हमारा जो स्केलेटन है, बोन्स का ढांचा, वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो क्या है, बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर फैट कवर है, टिश्यूज वगैरह आ रखे हैं, बॉडी ऑर्गन्स बन रखे हैं, तो हमें वो शो नहीं होता है. लेकिन जो कॉकरोच है उसका स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है. आपने उसके विंग्स वगैरह देखे हैं, ऑब्जर्व किए, वो टाइट होते हैं. उनका पीछे रीजन यही है कि वो एक्सोस्केलेटन एनिमल्स है. कॉकरोच के अंदर सिक्स जॉइंटेड लेग्स पाई जाती है, साथ में उसमें टू पेयर ऑफ विंग्स भी पाए जाते हैं. इट मीन्स लेग्स के द्वारा वो वॉक करता है जबकि विंग्स के द्वारा वो फ्लाई करता है. इनके जो लेग्स है और जो विंग्स है उनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स की वजह से ही वो इजीली मूवमेंट कर सकता है. दे शो अल्टरनेट लेग मूवमेंट. उनके जो सिक्स लेग है वो अल्टरनेट मूवमेंट करती है. व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट मूवमेंट? अल्टरनेट मूवमेंट मीन्स अगर फर्स्ट टाइम उसने अपनी राइट लेग उठाई है तो नेक्स्ट वो सेकेंड नंबर पे लेफ्ट आएगा, थर्ड वाली लेग, फिर राइट, फोर्थ वाली लेफ्ट. इस तरह उसकी लेग्स मूव करती है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. अगर वो फर्स्ट टाइम लेफ्ट लेग अगर को आगे बढ़ाते हैं तो सेकेंड टाइम उसकी क्या जाएगी, राइट वाली. तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है लेग्स की उसे अपन अल्टरनेट मूवमेंट बोलते हैं. जैसे अपने चलते हैं, अपने तो एक कदम आगे, फिर दूसरी लेग, फिर फर्स्ट लेग, फिर सेकेंड लेग. अपनी जो मूवमेंट है वो भी अल्टरनेट ही है. अब हम बात करते हैं मूवमेंट इन फिश. यू नो फिश इज एक्वाटिक एनिमल. इट मीन्स इट लिव्स इन ए वाटर बॉडीज विच वाटर बॉडी में पाई जाती है. इसके पीछे लॉजिक क्या है, फिश वाटर में क्यों होती है? क्योंकि जो फिश है वो अपने लैंड के ऊपर ब्रीथिंग नहीं कर सकती. उसके अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं और वह लैंड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाती. ये वर्टिब्रेट है. वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होती है उन्हें हमने वर्टिब्रेट के अंतर्गत रखते हैं. इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी मीन्स उसका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है जो फिश होती है. यानी जो फ्रंट पोर्शन है वो नैरो होता है, छोटा होता है, मिड पोर्शन बड़ा होता है, लास्ट पोर्शन छोटा होता है और साथ में इसमें फिन्स आ जाते हैं. इस तरह की जो शेप होती है उसे हम स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं. वापस रिवाइज करते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी मीन्स उसका जो आउटर एंड जो बैक पोर्शन है वो शॉर्ट होता है, मिड वाला पोर्शन कंपेरिजन टू डेम बॉड होता है, चौड़ा होता है. इस तरह की शेप स्ट्रीम लाइन बॉडी कहलाती है. स्ट्रीम लाइन बॉडी का रीजन ये होता है कि जब ये वाटर में स्विम करती है तो ये पानी को इजीली कट कर सकती है और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाटर के साथ मूव कर सके. इसके अंदर मूवमेंट के लिए फिन्स पाए जाते हैं. इसके जो फिन्स होते हैं वो एक ये होते हैं, एक तो फॉरवर्ड फिन एंड एक होता है टेल फिन. फॉरवर्ड जो फिन होते हैं, आगे के फिन, वो उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. जो टेल फिन होता है उसको वो उसकी बॉडी को बैलेंस बना के रखते हैं, साथ में उसे डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. इसके अंदर फिश के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे स्विम ब्लैडर बोलते हैं. स्विम ब्लैडर क्या होता है, एक तरह से अपने
बैलून एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एयर फिल और एम्प्टी होने की पोजीशन के ऊपर इस फिश की मूवमेंट डिपेंड करती है। ये अगर एयर से फिल है तो फिश हैवी हो जाएगी और हैवी होने से ये डाउनवर्ड चली जाएगी। अगर ये एम्प्टी होगा तो उसका वेट लाइट हो जाएगा और वह अपवर्ड की ओर मूवमेंट करेगी। तो ये डिपेंड करता है इसके फिलिंग और एम्प्टी कंडीशन के ऊपर। करते हैं मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। दे कैन फ्लाई, वॉक, रन एंड होप। वो उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते भी हैं और होप यानी कूदना, जंप भी करते हैं। लेकिन जो डक है वो वाटर में स्विम भी कर सकता है। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल शो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ मूवमेंट सच लाइक फ्लाई, वॉक, रन एंड होप। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है फिश की तरह स्ट्रीमलाइन होती है। आप देखेंगे कि जो उसका स्टार्टिंग पोर्शन यानी कि आगे का जो फ्रंट है वो छोटा होता है, माउथ वाला पोर्शन, मिड वाला पोर्शन इनका बड़ा होता है और लास्ट में जो टेल पोर्शन होता है वह छोटा होता है। यानी इस तरह की जो शेप होती है उसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। इनके फ्लाई करने के पीछे मेन जो बेसिक रीजन है वो ये है कि इनकी बोन्स हॉलो होती है। इनकी बोन्स अंदर से खोखली होने से हल्की होती है और हल्की होने की वजह से बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इनमें फ्लाइंग के लिए विंग्स पाए जाते हैं। ये विंग्स की जो मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है। साथ में इनकी जो चेस्ट होता है उसकी जो मसल्स होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, ताकि जब जो बर्ड्स है वो फ्लाई करता है उस कंडीशन में उन्हें अपने विंग्स फ्लैप करने होते हैं कंटिन्यू, तो ये चेस्ट मसल इन्हें फ्लैपिंग में हेल्प करती है। ये तो थी बर्ड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं स्नेक। स्नेक और जनरली आप लोगों ने सामने देखा है लॉन्ग एनिमल्स होता है। इसकी जो बैकबोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक की बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर लेग्स नहीं होते हैं। जो स्नेक मूव करते हैं वो क्रॉलिंग के द्वारा करते हैं। क्रॉलिंग के द्वारा ये क्या करते हैं, लूप्स बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं लूप बना रहे हैं। तो लूप के द्वारा ये क्या करता है कि ये ग्राउंड पोर्शन को अपने अंदर फिक्स करता है। नीचे से इसका पोर्शन ग्राउंड पोर्शन को अटैच करता है और ये फ्रंट पोर्शन इसे आगे की ओर पुश करता है। इस वजह से ये आगे की ओर मुड़ेगा, सडनली इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्रॉल लूप की शेप चेंज करेगा और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसकी जो मूवमेंट है बहुत फास्टली होती है, इसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थी मूवमेंट इन एनिमल्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मूवमेंट इन एनिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।